इस शोध का उद्घाटन करें। और उद्घाटन करने का मैं तरीका बताता हूं। आप सब अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, एक साथ सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश चालू कीजिए और भारत माता की जय के नाम के साथ देखिए सारे कैमरा वाले आपकी फोटो ले रहे हैं। जिसके पास मोबाइल है उसे निकालिए, हर कोई फ्लैश करे अपने मोबाइल से।
भारत ने संदेश दिया है कि हिमालय की छाती में ये सुरंग बना करके हिमालय की प्राकृतिक रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास सफलतापूर्वक आज हिंदुस्तान की सरकार ने पूरा किया। भाइयों बहनों, ये टनल हजारों करोड़ रुपए की लागत से बनी, लेकिन मैं आज गर्व से कहता हूं भले इस टनल के निर्माण
फसल बहुत अच्छी हुई हो, फल दिल्ली के बाजार में बेचने के लिए निकलने वाले हो, लेकिन यही पर 5 दिन सड़क बंद रहे हो गई हो, आधे से ज्यादा फल उसके बर्बाद हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचते पहुंचते पूरी मेहनत की कमाई पानी में मिल जाती है। कश्मीर घाटी के किसानों के लिए ये सुरंग वरदान बन के आई है। जब वो अपनी फसल, अपने फल, अपने फूल, अपनी सब्जी निर्धारित समय में दिल्ली के बाजार तक आसानी से पहुंच पाएगी, उसको जो खर्च घाटा होता था वो घाटा नहीं होगा, ये लाभ कश्मीर घाटी को मिलेगा। हिंदुस्तान का हर नागरिक उसके मन में एक सपना रहता है, कभी न कभी तो कश्मीर देखना है, वो टूरिस्ट बनकर के इन वादियों में आना चाहता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने उठाया है उससे हिंदुस्तान के कोने कोने से टूरिस्टों को आने की सुविधा बढ़ने वाली है, गारंटेड टूरिज्म होने वाला है। और जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर के आर्थिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में सबको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। भाई बहनों, मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं, जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाए। दूसरी तरफ है टेररिज्म। ये खून का खेल 40 साल के बाद भी किसी का भला नहीं कर पाया, लेकिन इसी 40 साल में अगर टूरिज्म को बल दिया होता तो आज पूरी दुनिया कश्मीर की घाटी के चरणों में आकर के बैठी होती। ये ताकत कश्मीर की। टूरिज्म को बल देने के लिए जो भी व्यवस्थाएं खड़ी करनी
जमीन पर उतरते उतरते साल बीत जाते हैं, लेकिन महबूबा जी ने और उनकी सरकार ने हर बारीकी को ध्यान देते हुए चीजों को जमीन पर उतारने के लिए जो कड़ी मेहनत की है और जिसके फल नजर आ रहे हैं, मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। भाई बहनों, आज हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय अगर तेज गति से आय बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम जम्मू कश्मीर है। मैं इसकी ताकत तो भली भांति समझ पाता। मुझे कई वर्षों तक इन वादियों में संगठन के कार्य के लिए आने जाने का, रहने का अवसर मिला। यहां के दिलदार लोगों को मैं जानता, यहां की सूफी परंपरा की संस्कृति को जानता। भाई बहनों, इस अनमोल विरासत अगर हम उसको भूल जाएंगे तो हम हमारे वर्तमान को खो देंगे और हम हमारे भविष्य को अंधेरे में धकेलेंगे। ये भूमि हजारों साल से पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन कर सके ऐसी महान विरासत की भूमि, उसके साथ अपने आप को जोड़े, उसका गौरव करें और परिश्रम से हम अपना भविष्य बनाने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चले। देखते ही देखते जम्मू कश्मीर का जीवन बदल गया। जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है, हर कश्मीरी के दिल में, हर जम्मूवासी के दिल में, हर लद्दाखवासी के दिल में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हमेशा याद आता। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, इस मूल मंत्र को लेकर के जो मूल मंत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है, उसी मूल मंत्र को लेकर के हम कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर, सद्भावना के वातावरण को, भाईचारे के वातावरण को, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूती के साथ, मजबूती इरादों के साथ एक के बाद एक कदम उठा करके आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प का, कोई बाधाएं हमें रोक नहीं पाए। और जो सीमा पार बैठे हैं वो खुद को नहीं संभाल पाते। अगर कश्मीर की भागीरथ का बन जाता है, गांधी के किसानों के
ये दिलों का नेटवर्क बनने वाला है, ये मेरा विश्वास है। भाई बहनों, विकास की